दोस्तों साल 1912 का हादसा तो आपको याद ही होगा, जब ब्रिटेन से अमेरिका जा रहा टाइटैनिक रास्ते में एक आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया था। उस जहाज में 2200 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था, जो उत्तरी अमेरिका के समंदर के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। टाइटैनिक जहाज आज से करीब 111 साल पहले अंधेरी रात में डूबा था। उस अंधेरी रात में ज्यादातर यात्री नींद में सो रहे थे। जब यह हादसा हुआ तो जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। जहाज इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। यह 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में समा गया। आज भी इस हादसे को सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। इस हादसे की बात आज इसलिए भी की जा रही है क्योंकि टाइटैनिक के साथ एक और हादसा हो गया है। दरअसल एक पनडुब्बी जो टूरिस्ट को टाइटैनिक दिखाने के लिए यानी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर गई थी, वो गायब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उस पनडुब्बी पर 5 अरबपति सवार हैं, क्योंकि ये सवारी आपके और हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इस सवारी का टिकट ही 2 करोड़ रुपए का है। इसमें एक नाम पाकिस्तानी मूल के अरबपति कारोबारी शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद का भी है, जिनके साथ ब्रिटेन अरबपति व्यवसायी हामिश हार्डरिंग, फ्रांसीसी सबमरीन ऑपरेटर एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नॉर्जलेट, जिन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है, शामिल थे। साथ ही इसमें इस एडवेंचरर ट्रिप का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी शामिल थे। ये घटना बीते रविवार की है, जब 5 लोगों को लेकर एक पनडुब्बी निकली जो आगे चलकर उतरी अटलांटिक सागर में जाकर कहीं गायब हो गई। अब तक इस पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कंपनी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। लापता पनडुब्बी का पता लगाने के लिए एक खोज और बचाव अभियान की शुरुआत भी की गई है। पनडुब्बी सबमर्सिबल की खास बात यह है कि अपने साथ एक बार में 5 लोगों को ले जा सकती है। वहीं इस पनडुब्बी को खोजने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन ही बची हुई है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसी जानकारी दी गई कि पनडुब्बी जहां गायब हुई है वहां से एक जोरदार आवाज सुनाई दी गई थी, जो कई घंटों तक सुनाई थी। अमेरिकी मीडिया समूह CNN ने मंगलवार की रात को एक मेमो को रिपोर्ट किया, जिसमें कई बार आवाज को सुना गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। अगर पनडुब्बी सही सलामत है तो पनडुब्बी को ढूंढने में लगी हुई सरकारी एजेंसी ने दावा किया कि अब पनडुब्बी के अंदर 30 घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बची हुई है। समुद्र में गोता लगाने के लिए 1 घंटे 45 मिनट बाद से जहाज का संपर्क टूट गया और तब से इसकी तलाश की जा रही है। पनडुब्बी को ढूंढने में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने कहा कि बचाव अभियान बेहद जटिल है, अगर पनडुब्बी की लोकेशन पता चल जाती है तो बचाव के लिए हमारे बस में जो होगा वो हम कर सकेंगे। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए बचाव दल के हाथ से समय निकला जा रहा है, क्योंकि पनडुब्बी में अब 30 घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बची हुई है। फिलहाल मध्य अटलांटिक के गहरे पानी में बचाव अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग सका है। बीते साल ओशन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में पत्रकार डेविड पोग ने यात्रा की थी और वो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचे थे, जिसके बाद डेविड ने बताया कि पनडुब्बी के ऊपर सपोर्ट शिप होता है, जो दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। गहरे पानी में GPS या रेडियो सिस्टम से बातचीत तो नहीं हो पाती है, लेकिन टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे से बात होती रहती है। उनका कहना है कि पनडुब्बी में बैठे लोग अपने से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर से पनडुब्बी मजबूती से सील की गई होती है। अगर सील नहीं की जाएगी तो उसके अंदर पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि पानी अंदर घुस जाएगा। वहीं अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फेडरिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पनडुब्बी को ढूंढने के लिए तेजी से काम जारी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। इस खोजी और बचाव अभियान में अमेरिका और कनाडाई एजेंसियों के अलावा नौसेना, गहरे समुद्र में उतरने वाली व्यावसायिक कंपनियां भी लगी हुई हैं, जो सैन्य विमानों, पनडुब्बियों और सोनार बाय मशीनों से पनडुब्बी की खोज में लगी हुई हैं। इसमें कई निजी जहाज भी उनकी मदद कर रहे हैं। एक रिमोट पनडुब्बी वाला व्यावसायिक जहाज डीप एनर्जी भी उस जगह पर पहुंच चुका है। इस पनडुब्बी में सवार 58 साल के हार्डिंग एक जाने माने एक्सप्लोरर हैं, जो अंतरिक्ष तक जा चुके हैं और उनके नाम 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। बीते सप्ताह उन्होंने कहा था कि उन्हें आखिरकार ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि वो इस मिशन का हिस्सा हैं। टाइटैनिक के मलबे को पहली बार 1985 में अटलांटिक महासागर के तल में 3,800 मीटर की गहराई में खोजा गया था। तब से वो समुद्र में डूबे उस विशाल जहाज की तलाश कर रहे हैं। इस बीच टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए शोधकर्ता और पर्यटक रुचि दिखा रहे हैं। इसमें रिमोट कंट्रोल के जरिए समुद्र की तलहटी में जाने वाली सबमर्सिबल नावों का संचालन एक जहाज से किया जा रहा है।
उसमें उत्साही पर्यटकों को समुद्र की तलहटी में ले जाया जाता है। उस पनडुब्बी में सबसे पहले सफर करने वाले शख्स माइक रीस ने बताया कि जो लोग उसमें सवारी करते हैं उन्हें पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आगाह कर दिया जाता है कि उसकी सेवा तभी लें जब जान के खतरों से वाकिफ हों। माइक रीस ने बताया कि वो एक ऐसी पनडुब्बी है जिसमें सवार होने से पहले आप एक दस्तावेज पर दस्तखत करते हैं जिसके पहले ही पन्ने पर 3 बार मौत या मारे जाने का जिक्र है। माइक के अनुसार उन्होंने पिछले साल ही उस पनडुब्बी से यात्रा की थी। उनका कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, यानी उन्हें भी डर है कि अब टाइटैनिक का मलबा देखने के लोगों की जान न चली जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 8 दिन की इस पर्यटन यात्रा का टिकट कितना होता है? पनडुब्बी में बैठकर यात्रा करने पर आपको $2.5 लाख खर्च करने पड़ेंगे, यानी इसमें 2 करोड़ का टिकट लेना पड़ेगा। इस टूर के समय पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास समुद्र से 3800 मीटर नीचे डुबकी लगाती है। वैसे लापता हुई पनडुब्बी को खोजने के लिए 70 से 96 घंटे का समय बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक खोज टीम के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। और तो और, ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही है। जिस इलाके में खोज अभियान शुरू किया गया वो काफी ज्यादा दूरी पर है और इसी वजह से अभियान में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। कंपनी ने भी बयान दिया है कि इसमें उन्होंने कहा कि हम पनडुब्बी के साथ फिर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लापता पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है जो कि 1432 किलोग्राम वजन की है और ये 13,000 फीट की गहराई तक जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि इस तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए या इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए या फिर अरबपतियों को अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे करतब दिखाने से क्या लाभ होने वाला है? एक जगह जहां पर पहले ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है वहां पर दुर्घटनाओं की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए और ऐसे टूरिज्म को भी बढ़ाने से रोका जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।